हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूँ महिंद्रा 395 DI टर्बो सुपर। देख सकते हो तो इसका जो है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक में जो लीवर है, लीवर बहुत जाम है, एक हाथ से भी नहीं हिल रहा है। अब देख सकते हो लीवर, देख सकते हो लीवर बहुत जाम है। अभी इसको जो जाम है इसको किस तरीके से बनाया जाता है उसको दिखाएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए, आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। टापा को क्या मैंने उतार लिया हूँ टापा। अभी इसका जो ऊपर का प्लेट है, प्लेट को खोलेंगे और साइड का जो लीवर है इसको बाहर निकालेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। देख सकते हो अभी लीवर को किस तरीके से निकाला जाता है उसको दिखाएंगे आप। अब प्लेट को उठा लेंगे, उठा प्लेट। अभी देख सकते दो लॉक है, एक लॉक है, एक लॉक है। दोनों लॉक को निकालने से यहाँ पे 14 नंबर 2-4 बोल्ट है, बोल्ट को खोलने से जो लीवर है आपका बाहर आ जाएगा। देख सकते हो लॉक दोनों का निकाल लिया हूँ। अभी उसको हल्का पेचकस से मार के बाहर तक निकालना है। देख सकते हो निकल गया है, अभी खींचने से बाहर आ जाएगा। जैसे इस तरीके से आप जो लीवर है लीवर को बाहर निकाल सकते हो। अभी लीवर में क्या हुआ उसको दिखाएंगे। देख सकते हो इसका जो बोल्ट है, बोल्ट को निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। लीवर का सेटिंग को आपको देख के रखना है। अभी लॉक है, देख सकते हो लॉक लॉक भी निकल चुका है, लॉक को निकालो। अभी लीवर इसको निकालो। यहाँ पे पर एक लॉक है, दो लॉक रहता है इसमें। पहले इसको निकाल लेंगे, इसको या अभी हल्का लकड़ी से मारने से निकल जाएगा बाहर। इसको हल्का ठोक के आपको निकाल लेना है बाहर। देख सकते हो इस तरीके से कंट्रोल का जो शाफ्ट है उसको निकाल सकते हो बाहर। अभी जो लीवर है, लीवर ये वाला जाम है, इसको निकालेंगे। इसको निकालने से पहले जो लॉक है, लॉक को आपको खोल लेना है। निकालो लॉक। जैसे तो लॉक कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है, लॉक है। अभी इसको आराम से आपको आसानी से प्लास्टिक की मदद से ठोक के बाहर तरफ निकाल लेना है। निकालो। देख सकते हो इसको कुछ इस तरीके से आपको ठोक के बाहर तरफ निकाल लेना है। देख सकते हो शाफ्ट निकल चुका है, एक है जाम हो गया है जिसके कारण इसमें आयल ग्रीस पूरा सूख चुका है, जिसके कारण जो है जाम हो गया है। लीवर बहुत जाम है, एक आदमी से खींचने से भी लीवर में काम नहीं करता है। इसको क्या है, घिस के बनाने से भी हो जाएगा लेकिन इसको घिसेंगे नहीं, नया बदल देंगे इसको। पहले इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। इस तरीके से आप अपना जो हाइड्रोलिक का लीवर है साफ करके इसको नया डाल के बना सकते हो। दोस्तों अभी इसको हम सेट करेंगे, इस तरीके से सेटिंग करते हैं उसको दिखाएंगे आपको। इसका जो शाफ्ट है इसको नया लेके आया हूँ, देख सकते हो रेट पार्ट नंबर 00304408R96। इसका पार्ट नंबर है, रेट देख सकते हो 585 इसका रेट है। स्लिप पिस्टन देख सकते हो, ये नया है। इसको थोड़ा हल्का ग्रीस लगा लेना है आपको, ग्रीस लगा के कुछ इस तरीके से सेट करना है। अभी लूज है, इसके कारण जो है हाइड्रोलिक जाम हो जाता है, उठाने के लिए बहुत तकलीफ रहता है आदमी को। पहले इसका लॉक लगा लेंगे। अभी लॉक है, लॉक को कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है।
करेंगे। इसमें भी थोड़ा हल्का ग्रीस लगा लेना आपको। इसको दबा के ये जो लॉक है, ये लॉक को सेट कर लेना है दबा के। तो लॉक सेट हो चुका है। जो लीवर है, लीवर गाड़ी में रख के आपको सेट करना है। इस तरीके से आप लीवर को सेट कर सकते हो। अभी गाड़ी के साथ सेटिंग करेंगे। दोस्तों इसको आप सेट करेंगे, लीवर को किस कैसे सेट करते हैं उसको दिखाएंगे आपको। दोस्तों अभी ये जो इसका जो पट्टी है देख सकते हो, लीवर का पट्टी को यहाँ सेट करना है आपको। देख सकते हो ये लीवर का जो कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको सेट कर लेना है। इधर भी एक दो पट्टी रहता है इसमें, उसके बाद जो हाथ में लीवर से काम करता है। इससे दोनों पट्टी को सेट कर लेना है। देख सकते हो अभी ऊपर का प्लेट लगाएंगे, इसमें थोड़ा कुछ एनामोंड चिपका लेना है आपको। चिपका के थोड़ा प्लेट को कुछ इस तरीके से सेटिंग करके प्लेट को बैठा देना है। और इसमें निशान दिया है देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे भी निशान है। निशान को आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये पॉइंट है और ये निशान है। ये निशान में आपको लीवर को सेट करने से भी आ जाएगा। दूसरे का भी सेम कंडीशन है, सेम निशान है दोनों में भी। जैसे इसमें भी निशान है, एक निशान है और अंदर में कटार टाइप का दिख रहा है, कटिंग टाइप का है थोड़ा। ये यहाँ पर ये निशान पे आपको सेट करना है लीवर को। इस तरीके से आप जो कंट्रोल को सेट कर सकते हो। देख सकते हो लीवर सही हो चुका है। अभी गाड़ी आपको चालू करके दिखाएंगे जब हाइड्रोलिक में किस तरीके से काम करता है कि नहीं। देख सकते हो हाइड्रोलिक फिट करके पूरा कंप्लीट कर लूँगा। अभी गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे हाइड्रोलिक किस तरीके से काम करता है। देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अभी हाइड्रोलिक ऊपर नीचे करके दिखाएंगे। देख सकते हो सही तरीके से काम कर रहा है, एकदम फ्री भी है लीवर एकदम फ्री है अभी दोनों लीवर। इस तरीके से आप अपना जो हाइड्रोलिक जाम होने से रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके।